रात से मुझे नींद नहीं आया है, भगवान मालती जी की आत्मा को शांति दे। तो गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा हो चुका मॉर्निंग का टाइम। तो दोस्तों आज के प्यारा ब्लॉग के स्टार्ट करने से पहले मम्मी जी का आशीर्वाद लेंगे, पापा तो चले गए, कहां पे मम्मी गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग, जितना बेटा बेटी देख रहे भाई बहन सब, सुबह के पर भरपूर आशीर्वाद है। बस आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी मॉर्निंग के 9:37 हो रहा है, वीडियो का एडिटिंग भी कर रहे हैं और साथ में मम्मी चाय बना के दे दिए है क्योंकि बदन दर्द हो रहा है। इधर स्नैक वाला बिस्कुट है मस्त, अभी खाते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। आप लोग भी आइए, चाय पी लीजिए। तो दोस्तों फाइनली हमने वीडियो का एडिटिंग कर लिया है और साथ ही साथ मम्मी बनाई थी दाल चावल मस्त चोखा, एकदम गर्मा गर्म भूज दी थी, तो मम्मी अभी तक खाए नहीं, हम तो खा लिए भैया क्योंकि वाइड एंगल में वीडियो शूट रहे, थोड़ा सा आपको अंधेरा दिख रहा होगा मस्त। तो आज हम चलेंगे एजेंसी पे, एजेंसी पे पैसा तो नहीं है क्योंकि गाइस कहीं बैटरी वगैरह लगाना पड़ेगा ना तो 1200-1300 रुपया लग जाएगा, इसीलिए तो YouTube पेमेंट आने दीजिए। कल तो अनाउंसमेंट किए थे कि आ रहा है YouTube पेमेंट, मज़ा आ जाए कसम से, बस ऐसे सपोर्ट करते रहो आप लोग। चलिए मम्मी को बोलते हैं खाना खा लेंगे, वो खाना बना के नीचे चले गए, बोली थी हम टिकिया बनाएंगे और अभी तक टिकिया नहीं बनाई है। देख रहे हैं दोस्तों दोपहर का एकदम मौसम भी हो गया, ये देखो आप लोग। दोस्तों अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, आज मम्मी जी 12 बजे करीबन टिकिया छान रही हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है मम्मी को कितना अच्छा टिकिया लग रहा है, हालांकि हम लोग खाए थे अलग कम पड़ गया था, प्रसाद छठ मैया का रागनी बना के आसवानी बना के आ गया था इस वजह से, और मतलब बहनों के यहाँ बटा बटुबल हो गया था तब। तो अभी देखिए मम्मी क्या कर रही है, टिकिया फिर से बना रही है, देखिए और भी धूप में कड़कती धूप है, देख रहे हैं आप लोग चारों तरफ धूप ही धूप है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। मम्मी आज दोपहर में बनाने का क्या मकसद है आपको टिकिया? बेटा बेटी को खिलाने का मकसद है। हाँ, मकसद नहीं मकसद। सब बुलाएंगे, सबको टिकिया खिलाएंगे। हाँ। छठ में खिलाए हैं, अभी भी खिलाएंगे छठ के बदला। बिल्कुल हाँ। दोस्तों और हमें अच्छा लग रहा है कि ये देखिए मम्मी अभी बना के टिकिया इधर रख दी, एकदम ताजा ताजा है मस्त, अभी कढ़ाई में भी देखिए छाना जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और हम मस्त खाएंगे। अभी चोखा भी बना हुआ है तो चोखा के साथ टिकिया खाएंगे अभी भरपेट। मम्मी का ऐसा क्या होता है, मम्मी के मूड के हिसाब से, मम्मी को अगर सवेरे 6 बजे उठ के खाना बनाना है तो बनाना है तो बना देगी, ठीक। चाहे रात में 12 बज रहा हो, 12 बजे अगर इनको खाना है बनाना है तो बनाना है, ठीक है। चाहे दिन रात जब भी मम्मी को मन कर जाए कि ये चीज़ें हमें बनाना है तो मम्मी के हिसाब से बन जाता है, मतलब मम्मी थोड़ा सा मूड के हिसाब से चलती है। कल हम बोले मम्मी मैगी ला करके खिला दो, हम बोले मैगी नहीं बनेगा, बोलने लगी मैगी नहीं बनेगा, और 10 मिनट बाद देखते हैं कि फिर 5 को मैगी लेकर के आई, हमको बना के खिला दी, समझिए ये होती है माँ। तो मम्मी सब सब बेटा बेटी को खिला दो, चलो आओ बेटा बेटी एकदम कूद फान के दौड़ करके आओ। हाँ। मम्मी के हाथों को टिकिया एकदम स्वादिष्ट, बिल्कुल दोस्तों आइए और खा लीजिए। ये देखें आप लोग नीचे वाले कमरे में आ गए, आप लोग से एक छोटी सी बातें शेयर करना है इस व्लॉग में, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ पा करके खो दिया है, घर में बिल्कुल अकेले हो गए हैं, एकदम सारे सामान वैसे बिखरे पड़े हैं, एक मम्मी एक पापा है, पुराना रेडियो यहाँ पे टंगा रहता है और साथ देने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ अकेले संघर्ष चल रहा था, चलती आ रही थी। कहते हैं कि आपके आसपास जितने परिवार हैं एक न एक दिन सब आपके घर छोड़ करके अपने अपने दुनिया बसाने के लिए चले जाते हैं, ये पूरा घर बिल्कुल जो है एकदम अंधेरा लगता है, एकदम कभी कभी ऐसा लगता है कि काटने को दौड़ रहा है, खाली पूरा घर है। बहनें वगैरह रहती थी तो बड़ा चह फेंक रहता था पूरा घर में, मस्ती करते थे हम लोग, मजाक करते थे हम लोग, अच्छे से रहते थे, खाते पीते थे, बढ़िया सुखी ज़िंदगी था। अभी भी है बट कुछ कमी हो जाता है, और ये सारी कमी जो है जब हमारा पूरा परिवार यानी हमारी प्यारी वाइफ आएंगी, पूरा परिवार जब बसेगा तो फिर से वापस लौट सकता है, उसके लिए बहुत समय का इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। तो यही कहते हैं कि जीवन में आप जितना ही पैसा कमा लो पैसा काम नहीं आता है जब तक आपका परिवार का सुख ना हो। मम्मी अकेले ऊपर में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि टिकिया बना रही थी और उनके साथ कोई नहीं था, हम थे बस। 12-1 बजे तक मम्मी खाना बनाती हैं तो हम खाते हैं, ऐसे सवेरे में ही बना देती हैं, लेकिन और भी एक्स्ट्रा कुछ बनाना होता है कर कुट में था यानी कहीं पे भेजना होता है अपने रिलेशन में, तो मम्मी को अकेले ही पूरा सारा काम करना होता है। अब दोस्तों इतना बड़ा घर मेरे लिए बहुत बड़ा महल से भी बढ़ करके है, किस काम का, जिस घर में 3 ही लोग रहे, हम मम्मी पापा बस और कोई नहीं, पूरा घर एकदम ऐसा लगता है कि काटने को दौड़ता है।
बट कोई नहीं, ये दिल की बातें थी जो आप लोगों से शेयर करना था। मम्मी के सामने बोलते मम्मी डांटने लगती है, कभी कभी मन नहीं लगने लगता है घर में, तो बाहर वगैरह चले जाते हैं ब्लॉग करते हुए बाहर जाते हैं तो मम्मी पापा का मन नहीं लगता, तो वहाँ से फिर दौड़े भागे फिर घर में आ जाते हैं। आप लोग के साथ ऐसा हुआ कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, 3-4 भैया लोग आए थे मिलने के लिए हमारे शाहपुर पटोरी से, एक रांची से भैया आए थे, एक महदीनगर से, मतलब अलग अलग जगह से आए हुए थे। हमारा शाहपुर पटोरी तो पास में पड़ता है जहाँ पे हम जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए। अभी मम्मी जी फिलहाल गई हैं घास गढ़ने के लिए, बकरियों के लिए घास नहीं है। और हम आपको बता दें कि हमारे पड़ोस में जो पले बड़े छोटे छोटे पिल्ले हमारे द्वारे पे ही रहते हैं सब के सब, मतलब यहाँ पे इन लोगों ने अड्डा बना रखा है, बड़े प्यारे लगते हैं दिखने में। तो मम्मी दरवाज़ा भी बंद कर दी है, शाम में बोल रही थी हमको मार्केट जाना है, तो अभी देखते हैं क्योंकि स्कूटी की रिपेयरिंग के लिए अभी तक हम गए नहीं है रिपेयरिंग करवाने के लिए, क्योंकि उसमें बैटरी का प्रॉब्लम है, तो वो जांच नहीं करवाने के, क्योंकि दोस्तों आज टिकिया होना, फिर व्लॉग एडिटिंग करना, अपलोड करना, इसी में हम लोग रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग का ढेर सारा प्यार मिले। फिलहाल अभी मम्मी आती है, क्या बोलती है, मार्केट जाना, थोड़ा सब्जी लाने के लिए चलते हैं। और गाइज इवनिंग होते ही लाइट चला जाता है ना, डर लगता है कि लाइट वापस आएगा कि नहीं, क्योंकि गाँव है गाइज, तो लाइट करता है ना तो 4-5 घंटा तक एकदम बिल्कुल शून्य हो जाता है लाइट, यानी कोई संभावना नहीं, भगवान करे जल्दी से आ जाए। तो मेरा फ़ोन अभी डिस्चार्ज होने वाला है और चोखा बना हुआ है, देख सकते हैं मॉर्निंग मम्मी बनाई थी दाल भात के साथ में, ये टिकिया है, चारों मस्त खा लेते हैं, ऐसे कर लिए, इसमें लगाया हमने, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा आप लोग को, वो भाई साहब मज़ा आ गया खा कर। और दोस्तों मम्मी अभी बकरियों के लिए घास लेकर के आई है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए हरी भरी पत्तियाँ हुए केला का पेड़ का, ये पता है क्या बदतमीजी करता है, बिजली का पाइप है ना उसको काटने का कोशिश करता है, उसमें करंट लग जाएगा मम्मी, ये उधर देख रहा था उस साइड में, बच्चा की तरह उसको समझा रहे थे, कान खड़ा खड़ करके देख रहा था हमको। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं पापा जी आ चुके हैं काम से और अभी पैसा गिन रहे हैं, जा रहे हैं अभी मार्केट सब्जी लाने के लिए, देख सकते हैं आलू प्याज टमाटर खत्म हो गया है। तो और इधर मम्मी है, मम्मी अपना ऑर्डर कर रही है, पापा जी नमस्कार। अपना दोस्तों मैं राजा ब्लॉग बिहार समस्तीपुर से, रात से मुझे नींद नहीं आया है, भगवान मालती जी की आत्मा को शांति दे, और ऐसा लग रहा है ना कि ये सब चीज़ें झूठा है, सच में झूठा ही हो जाए तो अच्छा रहे, जिनका परिवार है उनको वापस मिल जाए, अच्छे से रहें। मैं कम से कम ये सारी वीडियो 10 दिनों से मैं देख रहा हूँ, 10-15 दिनों से मैं कहीं ना कहीं नेट पे देख रहा हूँ, खबरें सुन रहा हूँ कि एक यूट्यूबर्स है विष्णु राज जी, उनकी वाइफ है, ऐसे ऐसा घटना हुआ है उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो मुझे बड़ा दुखद हुआ कि यूट्यूब वीडियो ना यूट्यूब वीडियो तक ही सीमित रहने दीजिए, उसमें परिवार को अपने पर्सनल पूरे लाइफ को मत खींचिए, ताकि जो है आपकी जान के ऊपर आ जाए, समझौता करके सब साथ में रहिए, मिलके रहिए। ठीक है YouTube पे क्लिकबेट चलती है, बहुत सारी चीज़ें चलती है, बट वीडियो को वीडियो में ही रहने दीजिए, ये YouTube है, YouTube से ना ज़िंदगी को मत जोड़िए, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बुरा लगता है। तो न्यूज़ आने लगी, खबरें आने लगी कि ऐसे ऐसे घटना हुई, रात में 8-9 बजे करीब मैंने वीडियोज़ देखा, तो बहुत दुखद हुआ कि मैंने हम राजा ब्लॉग हम वायरल है, ठीक है, राजा ब्लॉग के नाम से अकाउंट है, राजा ब्लॉग के नाम से इंस्टाग्राम है, ठीक है, हमारी जो वाइफ आएंगी, तो मेरा ये नहीं बनेगा कि मैं ऐसा नहीं कि अचानक से मैं उनका भी अकाउंट बना दूंगा, कि जो हमारी होने वाली वाइफ है उनका भी अकाउंट बन जाए, वो भी यूट्यूबर बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यूट्यूबर हैं, आप अपने तक सीमित रखें, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही ख़राब चीज़ होता है दोस्तों, थ्रेड कमेंट्स बहुत बेकार चीज़ें है ना, तो वो अपने तक ही रखिए, एक रोजी रोटी है, पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, लोगों के बीच में आशीर्वाद पा रहे हैं, अगर आप हस्बैंड हैं तो ठीक है अपनी वाइफ का अकाउंट ना ही बनाइए, उनको कहिए आप सिंपल लाइफ जियो, आप मेरे अकाउंट को आप अपना अकाउंट मान करके बनाओ, आप पति पत्नी मिलकर के वीडियोस बनाओ पर एक ही अकाउंट पे डालो, ताकि दोनों में प्यार बना रहे। अगर हमारी पहले से अगर हमारी वाइफ वायरल होती, मैं नॉर्मल सा इंसान होता, कहीं पे काम वगैरह कर रहा होता, मजदूरी कर रहा होता, कहीं पर नौकरी कर रहा होता किसी दफ्तर में, तो मैं समझौता के लिए मैं बोलता कि आप मेरा अकाउंट मत बनाइए, मैं आप ही के अकाउंट पर आऊँगा, लोग हमें देखेंगे, आपके नाम से हमको भी जानेंगे, पॉपुलर तो वैसे भी हो जाएंगे कि जब मेरी वाइफ अगर पॉपुलर होंगे तो पता है मैटर क्या होता है कि पति पत्नी दोनों के पास अकाउंट हो जाए, ठीक है, हम अपनी वाइफ के अकाउंट बना देंगे, ठीक है, उन पर फॉलोअर बढ़ जाएगा, अगर राजा ब्लॉग की वाइफ है तो आप लोग फॉलो करोगे करोगे कि भाभी आ गई, ठीक है, लेकिन इंसान पे भरोसा नहीं रहता दोस्तों, इंसान पे भरोसा इसलिए नहीं रहता है कि मानिए कि उनका फॉलोअर मेरे फॉलोअर से ज़्यादा हो जाए एक टाइम के लिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, और दूसरा इंसान उसमें तीसरा कोई कूद पड़ता है और सिखाता है कि इसको छोड़ दो ना, तुमको और भी इससे बेटर मिलेगा, अच्छा मिलेगा आप, तो
तो कहीं ना कहीं माइंड चेंज होते हैं। हाँ अरे मेरी पत्नी सोचेगी कि मेरे हस्बैंड से राजा ब्लॉग से ज़्यादा मेरे तो फॉलोअर है, ये क्या है मेरे सामने, मैं किसी अच्छे इंसान को खूबसूरत लड़का को देख करके मैं शादी कर लूँ। तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। तो इसको समझने का जरिया है एक ही अकाउंट रखे, पत्नी पत्नी मिलके बनाए, पति का अकाउंट ना बनाए, अगर पति वायरल है तो पत्नी का ना बनाए, उसी में दोनों मिलकर के मेहनत करें। ये सोशल मीडिया के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सोशल मीडिया ना यहाँ से ना यहाँ तक ले जाता है। और इस हाई लेवल को ना जब आप कहीं पे खड़े रहोगे तो 1000 2000 100 200 लोग जब आपके साथ एक साथ सेल्फी लेंगे, आपको सर पे चढ़ाएंगे, इतने सारे लोग प्यार करेंगे, तो कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है क्या उम्मीद। तो वो चीज़ें हमने लाइफ में देखी है, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। बस कहीं ना कहीं दुखद है, बुरा लगा हमारे YouTube कम्युनिटी के लिए, ये चीज़ें बहुत दुखद की बात है। ठीक है, हम सब क्लिकबेट करते हैं, हम सब थोड़ा बहुत परेशानियां होती है उसको कैप्चर करते हैं, उतना ही भर रहने दीजिए। लाइफ में जीवन पे मत लाइए, किसी का जान चला जाए कितनी बुरी बात है, जान से बढ़कर थोड़ी है YouTube क्या है, एक एप्लीकेशन है, उस पर हम लोग वर्क करते हैं। बस मेरे मन में जो विचार था मैंने सोचा कि अपने वीडियोज़ को थोड़ा बोल दिया जाए, बाकी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब प्यार से बने रहे, सब आगे बढ़े। अभी बात के ब्लॉग के लिए इतना ही, बिहार समस्तीपुर से देख रहा पूरा फुल सपोर्ट से देख रहा पूरा फुल सपोर्ट, बगल में इंस्टाग्राम का आइडिया है जाकर के फॉलो कर लीजिए, अपना क्यों निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए। मम्मी बहुत बहुत धन्यवाद।